वेलकम टू बेस्ट कुकिंग विद अंजू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ छाप। यहाँ पे मैंने हाफ के जी बीफ का छाप लिया है। इस तरीके से थोड़ा बड़े पीसेस ही रखें। अब 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, ये सूखे मसाले हैं, 1 स्पून बारीक नमक, धनिया पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून और 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 स्पून हल्दी, इन्हें भी शामिल कर लेंगे। और 1 कप दही है। ये मैरिनेट करने की चीज़ें हैं। ये 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये भी डालते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटरों को मैंने जो पेस्ट बना लिया है उसे बॉईल नहीं किया, जस्ट ऐसे ही पेस्ट बना लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे फ्रिज में। इफ्तारी के लिए अभी 2 से 3 घंटे बाकी हैं, तब तक के लिए अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अब ये बड़ा प्याज लेते हैं जिसे डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब इसी में हम मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। ये तकरीबन 1/2 कप जितना ऑयल है। इस गोश्त में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं होगा। सारा मसाला अच्छी तरह से निकाल कर डाल देंगे। इसी तेल में इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पे। जो मैंने प्याज तल कर रखी थी उसे हाथों से क्रश कर वो भी ऐड करेंगे इसमें। अब अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। कवर करेंगे। 15 मिनट के बाद तेल ऊपर आ चुका है मगर गोश्त अभी गला नहीं, तो मैं इस स्टेज पर यहाँ पर इस गोश्त को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। प्रेशर कुकर में डालने के बाद 2 से 3 सीटियाँ लेंगे, गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। चेक करके आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है। अब सेम कढ़ाई में होममेड बटर डाल रही हूँ 2 स्पून। अब हम गोश्त को तड़का देंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे पहले। इसी कढ़ाई में बटर डालने से फ्लेवर भी इसी कढ़ाई में है तो और इन्हेंस होगा फ्लेवर। बटर मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैंने होममेड ही रेडी किया है घर पर। 1 स्पून डालेंगे।
अब हम होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। हाफ स्पून रेड चिल्ली पाउडर कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे ताकि मसालों की कच्ची स्मेल दूर हो जाए। अब पका हुआ गोश्त को ऐड करेंगे। माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी खुशबू फैल गई है सारे किचन में। और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे बिना ढके। धनिया पुदीना ऐड करेंगे फाइन चॉप। अब बस फ्लेम ऑफ करेंगे। रेडी हो चुका है चपाती या रोटी नान के साथ या सिंपली राइस के साथ भी इसे एंजॉय कीजिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए